नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पांच सौ और हजार के नोट बंद, बाजार में हाहाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 500 एवं हजार रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की। मोदी की घोषणा से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग देर रात तक सोने चांदी की दुकानों के बाहर तथा पेट्रोल पंपों पर कतार बनाकर खड़े रहे। कांग्रेस ने 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने के सरकार के अचानक किए गए फैसले पर कई सवाल खड़े किए और चिंता जताई कि यह कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और गृहणियों के लिए बहुत समस्याएं पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा करवाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 और 10 नवंबर को बैंकों के एटीएम काम नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि भविष्य में 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार कर सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन दो दिन एटीएम बंद रहने से लोगों में हाहाकार मच जाएगा। अस्पतालों में भर्ती लोग जिनके पास इलाज के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट है, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जरूर 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड पर ये नोट स्वीकार किए जाएंगे। सहकारी संस्थाएं भी इन्हें स्वीकार कर सकेंगी, लेकिन उन्हें इसका हिसाब रखना होगा। मोदी सरकार द्वारा 1000 और 500 का नोट बंद करने से भारतीय शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती दौर में 1500 से ज्यादा अंक गिर गया। निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। काले धन के खिलाफ कार्रवाई के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 66.85 रुपए पहुंच गया। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रचा, कैलिफोर्निया से चुनाव जीता। अपराधी के साथ देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर पर विवाद। बेंगलुरु के मंदिर में साड़ी पहनकर पहुंची ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरिजा मे। आप विधायक के पिता पर बलात्कार का मामला। चीन के कारखाने में विस्फोट में एक की मौत।